Hello students, welcome to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the fourth semester in the Department of Civil Engineering. We are right now in the fifth module, and this is lecture number 2 and the last lecture of the fifth module. In this lecture we will see about I section. देखिए, अभी तक हम लोग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे. रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने देखा, सर्कुलर सेक्शन के लिए भी देखा, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनाया. अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक आई सेक्शन. ठीक है, देखिए आई सेक्शन क्या है. ओह, काफ़ी गड़बड़ आई सेक्शन ये तो बन गया है. ये देखिए, एक लगभग सा आई सेक्शन आपके सामने है. ठीक है, इसमें जो डायमेंशंस दिया रहता है, ये आपका विथ बी. ठीक है, जो डेप्थ है ये है डी. देखिए इसमें क्या समझ लीजिए, सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा है आई सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन दिख रहा है. मतलब कि बीम कैसे इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा बीम है ना, इधर एक लंबा सा बीम है, जैसे कि एक रेलवे का रेल होता है उसी तरह. ठीक है, आई सेक्शन वहाँ एक आपको आई सेक्शन दिख जाएगा. ठीक है, तो ये एक क्रॉस सेक्शन है. ओके, तो इसका जो टोटल विथ है बी दे रखा है कैपिटल, और डेप्थ डी दे रखा है. इसमें कुछ जानने वाली बातें और ये है कि ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेंज, है ना. ये देखिए ये इक्वल है. ठीक है, ये इक्वल है, पूरा सारा इक्वल है. ओके, और इसे हम लोग बोलते हैं वेब. क्या बोलते हैं, वेब. मतलब दो फ्लेंज आपको दिख रहे हैं और एक वेब दिख रहा है. ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, चूँकि ये सिमेट्रिकल है इसलिए न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका बिल्कुल सेंटर से पास करेगा. ठीक है, इसमें जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर कहने का मतलब है कि फ्लेंज के अंदरूनी हिस्से से लेकर के फ्लेंज के अंदरूनी हिस्सा. ठीक है, वो दे रखा है डी, डायमेंशन नॉट डायमीटर, डायमेंशन डी दे रखा है. ठीक है, और ये दे रखा है बी, दैट इज विथ ऑफ द वेब. क्या दे रखा है, बी. ठीक है, मतलब क्या, आप देखिए यहां समझिए कि बी क्या है भाई, ओवरऑल विथ ऑफ द सेक्शन. जो भी आपका सेक्शन है उसका ओवरऑल विथ कितना है, कैपिटल बी. डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन. ठीक है, ओवरऑल डेप्थ कितना है वो डी है. स्मॉल बी क्या है, थिकनेस ऑफ द वेब. जो वेब है आपका, यही वेब है ना, उसकी थिकनेस है बी. और डी क्या है, स्मॉल डी, डेप्थ ऑफ द वेब. ठीक है, डेप्थ ऑफ द वेब. ये डायमेंशन आपको समझ में आ गया है. ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ठीक है, अब इसी में हमें करना क्या है, टारगेट क्या है हमारा. टारगेट हमारा सिंपल सा है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए निकालना है. रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हमने स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, उसका डायग्राम भी बना लिया. अब आई सेक्शन अगर आपके सामने है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रखेंगे, सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वही हमें बताना है. ठीक है, तो हमें कुछ चीज़ें पता है कि सीयर स्ट्रेस इज गिवन बाई एफ इंटू ए वाई बार बाई आई इंटू बी. ठीक है, ये आपको पता है. ठीक है, जब भी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आई सेक्शन का बात आएगा तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली फ्लेंज के लिए और सेपरेटली वेब के लिए, है ना. ये दो हिस्सों में अलग अलग हमें बातें करनी पड़ेगी, तब हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच पाएंगे. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली. ठीक है, टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर फ्लेंज एंड वेब. ठीक है, टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर फ्लेंज एंड वेब. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, पहला काम जो हमारा रहेगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लेंज. ठीक है, फ्लेंज में हम लोग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके, चलिए, तो
तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक आई सेक्शन, ठीक है, सिमेट्रिक फिगर है ये, ठीक है, अगर इसमें ना भी दिखे लेकिन आपको सिमेट्रिक मान के चलना है। इस फिगर में ओवरऑल विथ बी दे रखा है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस दे रखा है, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ डी दे रखा है, तो ये कितना डी बाई टू, ओके, और वेब का कितना डेप्थ दे रखा है डी, तो ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ दिखा ये कितना डी बाई टू, ठीक है। हमें फ्लेंज का बात करना है, जो फ्लेंज हमारा उसका, ठीक है, तो सी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अगर हम चाहते हैं तो हमें पहले तो ये काम करना पड़ेगा कि इसमें एक लेयर ईएफ लेते थे याद होगा, ठीक है, उसी तरह का एक लेयर हमने लिया है, ठीक है, जो न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पे लाई करता है, ठीक है, और उस एरिया, उस लेयर के ऊपर के एरिया को हम लोग ए बोलते थे, ठीक है, और आगे का डिस्कशन उसी के अनुसार करते थे, ठीक है, तो बस वही काम यहाँ भी करना है। जब हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ्लेंज का, तो कुछ चीज़ें यहाँ मैं लिख देता हूँ कि विथ ऑफ द सेक्शन कितना है, कैपिटल बी है, एरिया ऑफ फ्लेंज बताएगा कोई हमें कितना है, एरिया ऑफ फ्लेंज, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लेंज का मतलब क्या है, जो ए हम लोग कैलकुलेट करते थे ना, मतलब क्या, पहले क्या था रेक्टेंगल में क्या किया था हमने कि हमने हमारे पास एक न्यूट्रल एक्सिस था, ठीक है, और एक पॉइंट वाई के ऊपर अगर हमें या वाई पर हमें शियर स्ट्रेस जानना था तो वाई दूरी पे एक लेयर हम लोग लेते थे, उस लेयर के ऊपर का एरिया कैलकुलेट करते थे। यहाँ भी हमने किया कि फ्लेंज की ही बात कर रहे हैं ना, तो फ्लेंज में ही एक लेयर लेंगे, उस लेयर के ऊपर की एरिया की बात करेंगे, तो वही एरिया ए कितना होगा, वो होगा बी इंटू, ये बताइए ये कितना है, ये आपका डी वाई टू है और ये आपका वाई है, तो डी वाई टू माइनस वाई नहीं होगा, होगा डी वाई टू माइनस वाई, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए थी वाई बार, वाई बार क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द एरिया ए फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से ये जो एरिया आपने निकाला उसका सी जी, ठीक है, तो ये वाई है और ये हाफ, तो ये कितना है आपका, तो ये है डी वाई टू माइनस वाई, ठीक है, तो डी बाई टू माइनस वाई का हाफ और वाई, तभी तो आप यहाँ पहुँचोगे ना, वाई प्लस ये दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी, तो ये डी बाई टू है और ये वाई है, तो ये कितना हुआ डी बाई टू माइनस वाई, और डी बाई टू माइनस वाई का हाफ लेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, और ये दूरी पता है आपको, वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है वाई प्लस हाफ डी बाई टू माइनस वाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वाई प्लस डी बाई फोर माइनस वाई बाई टू हाफ डी बाई टू प्लस वाई, ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए वाई बार बाई आई बी होता है, ये हमको पता है, इज इक्वल टू एफ इंटू एरिया बताइए कितना आया है, एरिया आपका आया है बी इंटू डी वाई टू माइनस वाई, यही है ना एरिया, ठीक है, इंटू वाई बार कितना हाफ इंटू डी वाई टू प्लस वाई डिवाइडेड बाई आई बी, ठीक है, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका एफ बाई टू, उठा के ले आइए टू आई बी, टू आई बी एक कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ बी भी कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा आपका डी बाई टू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कहाँ से आ गया डी बाई टू स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी आपको दिख रहा है, ठीक है, तो टाउ जो है आपका वो यहाँ एक इक्वेशन हमें मिल गया है फ्लेंज का सिर्फ, ठीक है, फ्लेंज में कैसे वेरिएशन हो रहा है वो हमें पता चल गया, ठीक है, ओके। यहाँ एक पॉइंट जो नोट करने लायक है मैं लिख दूं, जो आपका वेरिएशन ऑफ टाउ है विथ रेस्पेक्ट टू वाई इन द फ्लेंज इज पाराबोलिक, ठीक है, पाराबोलिक है, और एज वाई इंक्रीजेस क्या हो रहा है टाउ डिक्रीजेस, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चन तो ठीक है निकल गया, अगर मैं कहूँ कि फॉर दी अपर एज,
फॉर द अपर एज ऑफ फ्लेंज। अपर एज ऑफ द फ्लेंज मतलब यहाँ पर अगर मैं टाउ निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, तो आप देख लीजिए कि टाउ यहाँ पे निकाला तो वाई बढ़ते हुए यहाँ आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगा। तो बस पुट कर दीजिए टाउ इज इक्वल टू एफ बाई टू आई, है ना। इसके लिए क्या होगा, वाई इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन कहाँ यही तो है, डी बाई टू स्क्वायर माइनस डी बाई टू स्क्वायर कितना आएगा, ज़ीरो, ठीक है। चलिए फॉर द लोअर एज, लोअर एज के लिए बात करें फ्लेंज का, देखिए कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ तो आपने बता दिया कि जीरो है, यहाँ कितना है वो भी तो बताइए, यहाँ, ठीक है, कहाँ, यहाँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाई इज इक्वल टू घटते हुए डी बाई टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या लिख देता हूँ मैं वाई इज इक्वल टू डी बाई टू। तो टाउ इज इक्वल टू एफ बाई टू आई डी बाई टू का स्क्वायर माइनस माइनस वाई की जगह डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ बाई टू आई डी स्क्वायर बाई फोर माइनस डी स्क्वायर बाई फोर, अगर फोर को बाहर ले लें तो हमारा इक्वेशन आएगा एफ बाई फोर टू जो एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। टाउ मतलब मैंने टाउ का इक्वेशन फ्लेंज के लिए निकाला है, उसके बाद अपर एज पे देखा तो कितना आया है, और उसके बाद लोअर एज पे देखा तो कितना आया, ये हमने काम किया है, ठीक है, ओके। चलिए इसके बाद ये हमने क्या किया, आई सेक्शन का सिर्फ फ्लेंज लिया था, उस पर चर्चा किया, अब हम लोग वेब के लिए चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड हिस्सा इसका, सेकंड हिस्सा है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन द वेब। अगर हम लोग वेब की बात करें तो उसमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसकी चर्चा कर लें। देखिए यहाँ हम लोग जो सेक्शन लेंगे, ठीक है, कुछ चेंजेस यहाँ आपको दिखेगा, ये जो वाई है ना, वाई ऑब्वियस सी बात है कि वाई अब वेब में आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा, ठीक है, और ये ठीक है, हम लोग अब इतना पे चर्चा कर रहे हैं, मतलब जो आपका वाई है वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये है वाई आपका, ठीक है। चलिए आपने y लिया है, y अब कहाँ, पहले केस में y आप कहाँ ले रहे थे, फ्लेंज में ले रहे थे, है ना, अब के केस में आप y कहाँ ले रहे हैं, वेब में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वेब है, उसके ऊपर y के ऊपर जो भी एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए टाउ इस केस के लिए, देखिए इस केस पर्टिकुलर केस के लिए टाउ कैसे निकलेगा, एफ बाई आई भी तो आपको पता है, लेकिन ए वाई बार होता है, लेकिन ए वाई बार फ्लेंज प्लस ए वाई बार वेब, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ए वाई बार फ्लेंज एंड ए वाई बार वेब, ठीक है, तो ये अलग अलग कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कि ए वाई बार फ्लेंज के लिए क्या होगा, फ्लेंज आपको यहाँ दिख रहा है, इसके लिए ए वाई बार कितना होगा, तो एरिया बताइए कितना होगा, एरिया तो आपको दिख रहा है कि बी इंटू दिस कितना है, ये डी बाई टू है, उसमें से माइनस डी बाई टू कर देंगे, ठीक है, तो डी बाई टू माइनस डी बाई टू एरिया निकल गया। चलिए एरिया निकलने से काम थोड़ी होगा, उसके साथ सेंट्रॉइड भी उसका बताना पड़ेगा, सेंट्रॉइड उसका यहाँ है, न्यूट्रल एक्सिस के सेंट्रॉइड कितनी दूरी पर है, तो ये है कितनी दूरी पे भैया, ये d बाई टू है, और अगर मैं d बाई टू माइनस डी बाई टू मतलब ये उसका हाफ कर दूं, ठीक है, और उसमें d बाई टू जोड़ दूं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो d बाई टू प्लस d बाई टू माइनस डी बाई टू का हाफ, d बाई टू प्लस दिस डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है,
डी बाई टू माइनस डी बाई टू, ठीक है, ये पूरी दूरी उसका हाफ करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका आएगा बी इंटू डी माइनस डी बाई टू, इधर क्या मिलेगा डी बाई टू प्लस डी बाई फोर माइनस डी बाई फोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी डी माइनस डी बाई टू, ये बचा आपका डी बाई फोर माइनस डी बाई फोर माइनस प्लस डी बाई फोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी डी माइनस डी बाई टू इंटू डी प्लस डी बाई फोर, तो ये हो गया आपका बी बाई एट और डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। क्या निकला ये ए वाई बार फ्लेंज के लिए, जो आपका फ्लेंज है ना उसके लिए ए वाई बार निकाल दिया, उतना पे काम थोड़ी खत्म होगा। अब आइए ए वाई बार वेब के लिए भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वेब का पहले बताइए एरिया कितना है। देखिए वेब का जो एरिया है वो है बी इंटू ये कितना है डी बाई टू माइनस वाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी इंटू डी बाई टू माइनस वाई, ओके। चलिए इंटू सेंट्रॉइड बताइए कहाँ लाई करेगा, तो इसके सेंट्रॉइड यहाँ लाई करेगी, ये कितना है ये है y, ठीक है, प्लस ये है कितना y और ये दूरी कितनी है उसका हाफ ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये दूरी है डी वाई टू माइनस वाई, ठीक है, डी वाई टू माइनस वाई, तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये हमें मिल जाएगा उसका हाफ ले लेंगे तो ये दूरी मिल जाएगी और प्लस y कर देंगे काम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y प्लस हाफ ऑफ डी वाई टू माइनस वाई, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू बी डी वाई टू माइनस वाई, ठीक है, इंटू देखिए जरा कितना आएगा ये वाई माइनस हाफ वाई डैट इज वाई बाई टू प्लस डी वाई फोर, ठीक है। देखिए क्या आगे बनता है ये, इट विल बी इक्वल टू बी ओके डी माइनस टू वाई बाई टू इंटू टू वाई प्लस डी बाई फोर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए बी बाई एट और डी प्लस टू वाई, डी माइनस टू वाई है ना, तो डी स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल लिया, फ्लेंज का भी निकाल लिया और वेब का भी निकाल दिया, एरिया इंटू सी जी, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, कौन सी पुट करोगे, तो ये पुट करना है और प्लस ये पुट करना है, तो टाउ बराबर एफ एफ बाई आई बी। देखिए एक चीज़ यहाँ यहाँ पर स्मॉल बी लिखा गया, ये ध्यान रखना है, वेब की बात हो रही है तो स्मॉल बी, ठीक है, एफ बाई आई बी, दोनों को जोड़ दीजिए जो भी आपने निकाला है। पहला क्या निकाला है, बी बाई एट, बी बाई एट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, बी बाई एट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस, दूसरा क्या निकाला है, स्मॉल बी बाई एट डी स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है, यही तो निकाला है। तो एक इक्वेशन आपको मिल गया है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि कैसे वैरी कर रहा है शियर स्ट्रेस अलोंग आई सेक्शन, ठीक है। इसमें नोट करने लायक एक बात है जो मैं लिख दूं, पहले इक्वेशन को देख के ही पता चलता है, वेरिएशन ऑफ टाउ विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज अगेन पैराबोलिक, ठीक है, एज वाई इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस, ठीक है। अब मुझे बताइए टाउ मैक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा, टाउ मैक्स जैसे जैसे वाई बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टाउ की वैल्यू घट रही है, ठीक है, मतलब वाई अगर जीरो पे बात करें, न्यूट्रल एक्सिस पे बात करें तो टाउ मैक्स हमें मिलेगा, ठीक है, वाई इक्वल टू जीरो है ना, पुट कर दीजिए टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कहाँ मिलेगा, टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे, और उसका मतलब क्या है, वाई इक्वल टू जीरो,
तो जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा देखिए तो ज़रा। यही मिलेगा क्या? यही मिलेगा ना। तो टाउ मैक्स क्या मिल रहा है आपके पास? एफ बाई बी आई, बी बाई एट, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाई एट। ठीक है, ये आपका टाउ मैक्स हो गया। ठीक है, इक्वेशन आपको मिल ही गया है ना। चलिए अब देखिए, टाउ एट द जंक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द वेव एंड द बॉटम ऑफ द फ्लेंज, दैट इज वाई इक्वल टू डी बाई टू। वहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट इसको कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर समझ में आए कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? जब हम लोग फ्लेंज की बात कर रहे थे तो फ्लेंज में टॉप पे निकाले थे, फिर यहाँ पर निकाले थे। ठीक है, जब वेब की बात करेंगे तो वेब में भी हम लोग कहाँ कहाँ निकाल रहे हैं? एक हम इस पोजीशन पे निकालना चाह रहे हैं, इस पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? वेब के इस पोजीशन पे हमने निकाल लिया, न्यूट्रल एक्सिस पे निकाला, जहाँ ये भी पता चल रहा है कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब वेब के इस हिस्से पे भी निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर जब फ्लेंज की बात कर रहे थे तो यहाँ तो हम निकाले ही थे, तो वेब में अगेन क्यों निकाल रहे? देखिए एक शार्प चेंज आएगा। ठीक है, जब मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, या फिर इक्वेशन भी निकाल रहे तो उससे भी पता चलेगा कि इस पॉइंट पे एक शार्प चेंज आएगा शियर स्ट्रेस में। ठीक है, देखिए मैं निकाल के बताता हूँ। टाउ एट द जंक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द वेब, जंक्शन ऑफ द टॉप ऑफ द वेब एंड बॉटम ऑफ द फ्लेंज। ठीक है, दैट इज वाई की वैल्यू कितनी होगी? डी वाई टू होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आप टाउ इक्वेशन आपको पता है वहाँ आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन में आप पुट करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। प्लस बी बाई एट डी स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर होता है, वाई के जगह डी वाई टू पुट करिए तो डी स्क्वायर बाई फोर आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन कितना निकल कर आ रहा है देखिए तो ज़रा। फोर फोर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर चला गया है ना। तो क्या बचा? एफ बाई बी आई बी बाई एट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इतना ही तो बचा। ठीक है, तो मतलब क्या? टाउ इज इक्वल टू एफ बी बाई एट आई बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। किसके लिए मैंने निकाला? ये मैंने निकाला है इस पोजीशन पे, देखिए कहाँ, इस पोजीशन। ठीक है, तो टाउ का इक्वेशन आपको पता चल गया, यहाँ भी मैंने निकाल दिया, यहाँ भी निकाल दिया। ठीक है, फ्लेंज के केस में मैंने यहाँ निकाल दिया और यहाँ निकाल दिया। ठीक है, ओके, अब देखिए इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तब तो चीज़ें आपको और समझ में आएगी। अच्छा, ऐसा क्या? देखिए टी सेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ। मुझे बताइए इक्वेशन को देखते हुए कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस कितना था। चलिए ऊपर देखते हैं, खोजते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है उसमें कहीं शियर स्ट्रेस निकाले थे उस पोजीशन पे क्या? शुरू से खोजिया होगा। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है एक इक्वेशन दिख रहा है, फ्लेंज की बात कर रहे थे तो वहाँ एक इक्वेशन हमें दिख रहा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और उसी फ्लेंज में जब नीचे आए और हमने वाई इक्वल टू डी बाई टू मतलब अपर एज की बात कर दी थी, तो हम देख रहे थे कि शियर स्ट्रेस जीरो आ रहा था। यहाँ पर हमें मिला कि शियर स्ट्रेस टॉप पे ज़ीरो है। ठीक है, ओके। और जब फ्लेंज की ही हम लोग बात कर रहे थे तो टाउ इज इक्वल टू ये आ रहा था, एफ बाई एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चलिए ठीक है, और उसके बीच में कैसे वैरी करेगा? तो उसके बीच में वैरी करेगा इसी इक्वेशन के अनुसार। ठीक है, इसी इक्वेशन के अनुसार फ्लेंज
में शियर स्ट्रेस कैसे वैरी करेगा, हमने यही क्वेश्चन तो निकाला है। इसमें दो पॉइंट, एक टॉप मोस्ट और एक बॉटम मोस्ट फ्लेंज का ले लिया, तो उसमें टॉप मोस्ट में जीरो आ गया और बॉटम मोस्ट में ये आ गया, ठीक है, यही तो हमने निकाला है ना। इन सारे वैल्यूज़ को वहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ तो ज़ीरो है, ठीक है, ओके। अब पाराबोलिक वेरिएशन, ठीक है, ज़ीरो से शुरू होगा, है ना, ज़ीरो से शुरू होगा और बॉटम फ्लेंज पे भी कोई एक वैल्यू होगी इसकी, लेकिन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, पाराबोलिक है, ठीक है। और वो पाराबोलिक रिलेशन क्या है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब इस पॉइंट से ले करके इस पॉइंट तक अगर आपको कहीं भी शियर स्ट्रेस चाहिए तो y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, इस इक्वेशन में, और आपको मिल जाएगा। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन था f अपॉन 2y डी स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार देख लिया जाए क्या कि यही इक्वेशन था, देखें ज़रा। देखिए यही तो इक्वेशन हम लोग लेकर आए हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ बाई टू वाई डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई टू का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे हम लोग तो हमारी ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर कितना है बताइए, ज़ीरो है, यहाँ पर कितना है वो बताइए। तो वहाँ पर आपने देखा है ऊपर इक्वेशन में कि एफ अपॉन एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद जब फ्लेंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये वैल्यू मिला, ठीक है, लेकिन जब वेब की बात कर रहे थे तो वहाँ भी हमने निकाला था, तो मैंने क्या बोला था, एक शार्प चेंज आएगा, वो शार्प चेंज कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से वैल्यू सीधे यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अब जो वैल्यू चेंज हुआ तो इस पॉइंट पे कितना शियर स्ट्रेस है वो बताना पड़ेगा। तो हमने निकाला है कहीं, क्या देखिए, तो निकाला है, यही तो निकाला है, ये देखिए, है ना, ये देखिए, यही निकाला है। कितना है भाई, एफ बी अपॉन एट आई बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर कितना है वो मैं लिख देता हूँ, कितना है भैया, एफ बी बाई एट आई बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलिए अब बताइए कि वेब में वेरिएशन कैसे हो रहा था, वेब में वेरिएशन कैसे हो रहा था, तो इक्वेशन को देख करके क्या पता चला कि पाराबोलिक हो रहा था, ठीक है, ओके। चलिए तो पाराबोलिक वेरिएशन यहाँ दिखा देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये चूंकि सिमेट्रिकल है तो ये बिल्कुल सिमेट्री की तरह ही काम करेगा, ठीक है, ये फिगर पूरी की पूरी सिमेट्रिकल है, ठीक है। चलिए तो एक और वैल्यू जो है टाउ मैक्स, वो भी मैं दिखा देता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस पे वो लाई करेगा ना, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा। तो टाउ मैक्स भी हमने निकाला है, देखिए तो ज़रा कहीं निकाला है क्या, ये रहा, टाउ मैक्स भी हमने निकाला है, ठीक है। तो टाउ मैक्स कितना है वो भी मैं लिख देता हूँ, टाउ मैक्स जो है वो है f बाई आई बी बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई एट प्लस बी डी स्क्वायर बाई एट, ठीक है, कहाँ यह, यहाँ पर, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे, ओके। अब एक लास्ट चीज कि यहाँ से यहाँ जो वेरी कर रहा है पैराबोलिक, ठीक है, उस इक्वेशन को भी मैं लिख देता हूँ, तब आपका एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी कि कहाँ कैसे ये वेरी कर रहा था। ये इसके लिए इक्वेशन है f बाई आई बी, ये सारा हमने निकाला है कहीं से दूर से, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो हमने ऊपर निकाला है उसी को मैं सिंपली डायग्राम में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमने कहाँ निकाला है, देखिए तो वेब के लिए कहीं निकाला है, वेब के लिए हमने कहीं निकाला है, निकाला है इसी क्वेश्चन की तो मैं बात कर रहा हूँ, कोई अलग थोड़ी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ b बाई एट है लेकिन वहाँ b बाई टू दिख रहा है, तो क्या हो रहा है भैया,
यहाँ डी बाई फोर दिख रहा है ना, तो एलसीएम लेकर के मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ इस तरह, इसलिए यहाँ थोड़ा चेंज दिख रहा है, ठीक है, बाकी इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो और इस पॉइंट पे कितना होगा, तो इस पॉइंट पे सेम यही होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, यही होगा, ये ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इस तरह आई सेक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें और भी समझ में आएगी। आइए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आई सेक्शन बीम 350 mm बाई 150 mm हैज़ अ वेब थिकनेस ऑफ 10 mm, फ्लैंज थिकनेस ऑफ 20 mm। इफ द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम इज 40 kN, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन द आई सेक्शन। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ जो कहा जा रहा है आपसे कि आपके पास एक आई सेक्शन है, ठीक है, ठीक है, एक आई सेक्शन आपको दिया हुआ है, जो कह रहा है जिसमें कि क्या कह रहा है, दो इसका डायमेंशन है, ठीक है, वो दिया हुआ है कुछ इस तरह। देखिए 350 mm, ठीक है, और 150 mm है ना, 350 by 150 मतलब यही है, जो आपका आउट ऑफ लेंथ से आउट ऑफ लेंथ जो डिस्टेंस दे रखा है 350 है, ठीक है, और विथ 150 mm, ओके। वेब थिकनेस दिया हुआ है 10 mm, मतलब कि ये जो दूरी है ये 10 mm दिया हुआ है, और फ्लेंज की थिकनेस जो है वो 20 mm दे रखी है, ये 20 mm है, तो ऑब्वियसली बात है नीचे भी 20 mm ही होगा, ठीक है। अब ये 20 गया 20 गया 40 गया, तो ये डिस्टेंस आप बता ही सकते हो कि ये 310 mm है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है यहाँ, ओके। चलिए और तो कोई इसमें है नहीं दिया हुआ, ठीक है। देखिए जब क्वेश्चन आपको मिले तो आप डायग्राम बना देंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी, साथ ही साथ आप लिख दोगे गिवेन ओवरऑल डेप्थ कितना है, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करें, 350 mm। ये मैं तरीका बता रहा हूँ जैसा आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। ओवरऑल विथ बी इज इक्वल टू 150 mm, वेब थिकनेस, जो वेब थिकनेस है वो कितना है 10 mm, ओके। फ्लेंज थिकनेस कितना है, फ्लेंज थिकनेस जो है वो है 20 mm, ठीक है, और डेप्थ ऑफ वेब कितना दिया हुआ है, देखिए तो ज़रा, 310 mm हमने निकाला है, ठीक है। शियर फोर्स एफ कितना एक्ट हो रहा है, 40 kN है ना, 40,000 N हो जाएगा, ठीक है, 40,000 N, ठीक है। चलिए अब फार्मूला आपको पता है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है एक आई सेक्शन के लिए, थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो आप पाओगे कि हमारे पास एक फार्मूला है, टाउ मैक्स हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, तो अगर फार्मूला मुझे याद है तो हमारा काम हो जाएगा। तो टाउ मैक्स दे रखा है एफ अपॉन बी आई, ठीक है, और ये इधर, ठीक है, इसमें सब कुछ तो लगता है कि हमें पता है, बस ये पता नहीं है आई, तो अगर आई हम लोग निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो आई क्या होगा, आई देखिए इसके लिए आई कैसे निकाला जाएगा, आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किया होगा, ये मैं निकाल लूँगा बी डी क्यू बाई 12, ठीक है, माइनस दिस, ठीक है, बस यही करना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने कर रखा होगा, ठीक है। तो 150 b × d 350 cube by 12, ओके, माइनस, देखिए माइनस क्या होगा, माइनस 150 है ना टोटल, उसमें से 10 mm चला गया तो कितना बचा, 140 है ना, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये 150 है, उसमें से ये 10 चला गया, तो ये और ये मिला के कितना बचा, 140, ठीक है,
140 गुने 310, 310 क्या, ये बी डी क्यू बाई 12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 1883758334 mm टू दी पावर 4, ठीक है। टाउ मैक्स का फॉर्मूला आपने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है, वो आपको पता है कि एफ अपॉन आई इंटू बी, बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 8 प्लस बी डी स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई 1883758334 इंटू बी की वैल्यू 10 mm, ठीक है। और बी कैपिटल बी, कैपिटल बी कितना है 150 इंटू कैपिटल डी 350 स्क्वायर माइनस स्मॉल डी 310 स्क्वायर बाई 8 प्लस बी इज स्मॉल बी इज 10 इंटू 310 स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद आपका, तो बस इसी को कैलकुलेट करिए कितना आंसर आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 13.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए तो ये देखा कि कैसे डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बीम एट एन आई सेक्शन विथ अनइक्वल फ्लेंजेस इज 50 kN, ठीक है। जो शियर फोर्स है वो कितना दिया हुआ है, 50 kN, मतलब 50,000 N, ठीक है। और क्या दे रखा है, द सेक्शन इज ऑन द फिगर, सेक्शन जो है वो आपका फिगर में दिख रहा है, देखिए। फ्लेंजेस जो हैं वो इस बार अनइक्वल है, ऊपर वाला 200 mm विथ रखता है, नीचे वाला 130 mm, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है, पहली बात ये जान लीजिए, ठीक है। और क्या चीज़ें दे रखी हैं, और आपको यहाँ ये भी दे रखा है कि ये जो डायमेंशन है ये 200 mm दिया हुआ है, और ये आपका 50 दे रखा है, इधर भी, ठीक है। 50, 50, 200, तो ये डी कैपिटल डी कितना हो गया, 50 + 200 + 50 मतलब 300 mm, ठीक है। और ये 50 दे रखा है, चलिए इतनी चीज़ें दे रखी हैं, ओके। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज इतना, न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये सिमेट्रिकल होता तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो बीचों बीच लाई करता, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है तो हम लोग निकालेंगे आगे चलकर कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जो मैं यहाँ आपको फिगर में दिख रहा था, लेकिन इसको मैं बाद में ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, लेकिन आप ये पहले ही समझ जाइए कि चूंकि ये अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीचों बीच से पास नहीं करेगा जैसा पहले करता था, ठीक है। अब आपको पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा कि यहाँ लाई करेगा कि यहाँ लाई करेगा कि यहाँ या यहाँ या यहाँ, कहाँ लाई करेगा पता नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस, जो भी न्यूट्रल एक्सिस आप निकालोगे वहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस निकालना है, एंड ऑल्सो ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। डेप्थ ऑफ द सेक्शन में आपको जो भी इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो भी बता देना, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन जब आपके सामने है तो इस क्वेश्चन को आप एक सीखने के तौर पर लीजिए कि सिर्फ आई सेक्शन के रूप में ही ना देखें इसको, इसको एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन के रूप में भी देखें। तो कोई भी अनसिमेट्रिकल सेक्शन आएगा आपके सामने, अगली बार हो सकता है कि आई सेक्शन ना दे करके इतना इतने पार्ट को हटा करके आपको सिर्फ टी सेक्शन दे दे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना इतना ही हिस्सा दे दे, टी सेक्शन दे दे, तो उसको कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना। तो वो भी आप यहीं सीख रहे हो, मतलब कहीं भी अनसिमेट्रिकल सेक्शन आपके सामने आएगा तो आपको सेम प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
और कुछ चीज़ें दे रखी है जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस 2.849 इंटू 10 टू द पावर 8 mm टू द पावर 4। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो काम है वो है कि हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को निकाल लें। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस अगर चाहते हैं उसके लिए हमें निकालना है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा, देखिए इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि y स्टार इज़ अ डिस्टेंस ऑफ cg फ्रॉम द बॉटम फेस। ये इसका बॉटम फेस है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा कंप्लीट आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन दिख रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं वाई स्टार दूरी पे नीचे से ऊपर कहीं लाई कर रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं बॉटम फेस से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप वाई स्टार मान लेंगे कि बॉटम फेस से वाई स्टार की एक पर्टिकुलर दूरी है, तो अगला प्रोसेस हमारा ये होगा, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि वाई स्टार निकाला जाए। ठीक है, तो वाई स्टार क्या होगा, सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जाइए। ठीक है, तो आपको ध्यान में आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने ये पढ़ा होगा। देखिए ये जो आपको पूरा का पूरा आई सेक्शन दिख रहा है, इसको तीन हिस्सों में मैंने बांट दिया है, ये मेरा पहला हिस्सा है, ये मेरा दूसरा हिस्सा है और ये मेरा तीसरा हिस्सा है। ठीक है, इसीलिए मैंने 1, 2, 3 मार्किंग भी कर दिया। ठीक है, वाई स्टार जो निकलेगा ना आपका, वाई स्टार मतलब क्या, बॉटम फेस से ये पूरे के पूरे आई सेक्शन का सी जी कहीं है तो वो वाई स्टार है। ठीक है, यही वाई स्टार कितना होगा, बॉटम फेस से कितनी दूरी पे होगा, तो ये होगा इतनी दूरी पे, देखिए कितनी दूरी पे, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री। ध्यान दीजिए इस बात पे कि कोई भी अनसिमेट्रिकल फिगर आपके सामने होगा तो उसमें भी जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे ऐसा ही प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है, वाई स्टार इज द सी जी फ्रॉम बॉटम फेस एंड वाई स्टार इज इक्वल टू ए वन वाई वन, मतलब ये एरिया। ठीक है, और वाई वन क्या होगा, वाई वन होगा इस एरिया का सी जी कहाँ से, बॉटम फेस से। ठीक है, ए टू वाई टू, ए टू क्या है, ये एरिया है, वाई टू क्या है, इस एरिया की सी जी कहाँ से, बॉटम फेस से। ठीक है, ए थ्री वाई थ्री, ए थ्री क्या है, ये एरिया है, वाई थ्री क्या है, इस ए थ्री की सी जी बॉटम फेस से। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, तो ये आपको दे देगा न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन। ठीक है, तो जो ए वन है वो कितना है, लिखते भी जाता हूँ मैं, ए वन इज द एरिया ऑफ बॉटम फ्लेंज, एरिया ऑफ बॉटम फ्लेंज। देखिए बताइए मुझे एरिया ऑफ बॉटम फ्लेंज कितना है, 130 इंटू 50। ओके, 130 इंटू 50, तो ये आ गया आपका 6500 mm². ए टू क्या है, ए टू है एरिया ऑफ वेब, देखिए तो ज़रा, यही तो है वेब, एरिया ऑफ वेब कितना होगा, ये 200 है और ये 50 है, तो 200 इंटू 50 इज इक्वल टू 200 इंटू 50, कितना आएगा, 10,000 mm². ए थ्री क्या है भैया, ए थ्री इज़ द एरिया ऑफ टॉप फ्लेंज, ए थ्री इज़ द एरिया ऑफ टॉप फ्लेंज, 50 इंटू 200 इज इक्वल टू 50 इंटू 200, ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 10,000 mm². ठीक है, वाई वन क्या है, वाई वन इज द डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ ए वन फ्रॉम बॉटम फेस। देखिए क्या है, वाई वन ये है, ये जो ए वन है ना एरिया, इसका जो सी जी होगा ना, ठीक है, यहाँ कहीं सी जी होगा, तो बॉटम फेस से इस सी जी की क्या दूरी है, वही तो है। ठीक है, तो देखिए तो ये आपका, अगर ये रेक्टेंगल का सी जी कहाँ होगा, यहाँ लाई करेगा, तो बॉटम फेस से ये दूरी क्या, बीचों बीच लाई करेगा, तो ये 50 है, तो नीचे से कितनी दूरी, 25 mm। ठीक है, 25 mm ये है ना, 50 बाई 2 इज इक्वल टू
25 mm. ओके, y2 क्या होगा देख लीजिए. y2 इज द डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ A2 फ्रॉम बॉटम फेस. ठीक है, देखे ज़रा, ये है हमारा वेब और इसका CG यहाँ कहीं बीचों बीच लाई करेगा. तो ये 200 है तो 100 पर कहीं इसका CG लाई करेगा. ठीक है, तो ये तो 100 है पता चल गया, लेकिन हमें बॉटम फेस से जोड़ना है तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा. डैट मीन्स 100 + 50, तो मतलब 50 + 200 का हाफ, 50 + 200 का हाफ, ये आ जाएगा 150 mm. देन देर इज y3 है आपका डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ A3 फ्रॉम बॉटम फेस. देखिए तो ज़रा, ये है ना, तो इसका CG यहाँ लाई करेगा. अगर ये 50 है तो यहाँ से 25 mm पे ये लाई करेगा. ठीक है, मतलब 50/2 इक्वल टू 25 mm पे लाई करेगा, लेकिन हमें तो बॉटम फेस से चाहिए. तो 50 + 200 + 25, ठीक है, इज इक्वल टू 50 + 200 + 50/2, तो ये कितना आ जाएगा 275 mm. ठीक है, mm. तो वाई स्टार जो आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं बढ़िया से निकालना, वाई स्टार इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू 6500, वाई वन की वैल्यू आई थी कितनी देख लीजिए ज़रा 25, प्लस ए टू की वैल्यू 10000, वाई टू की वैल्यू आई थी 150, प्लस ए थ्री की वैल्यू भी 10000 आई थी, वाई थ्री की वैल्यू 275 बाई ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री 6500 प्लस 10000 प्लस 10000. ठीक है, ठीक है, चलिए अब y की वैल्यू बता दीजिए कितनी आई, y स्टार की वैल्यू तो ये आएगी आपकी 166.51 mm. ठीक है, 166.51 mm कहाँ से, नीचे से, बॉटम फेस से, है ना. तो ये देखिए यहाँ पर ये बॉटम फेस से ये जो न्यूट्रल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है ना, कितनी दूरी पे है, 166.51 mm पर. ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 166.51 mm. ठीक है, सही है. तो बस इसमें एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ कि ऊपर से क्या दूरी है वो भी लिख देता हूँ. देखिए ऊपर ये टोटल दूरी कितनी है, 300 है ना, तो 300 ये है, उसमें से इतना घटा दीजिए, 300 - 166.51, तो ये आ जाएगा आपका 133.49 mm. ठीक है, चलिए, मतलब कि जो बॉटम फेस है वहाँ से भी हमने न्यूट्रल एक्सिस का दूरी निकाल लिया, जो टॉप फेस है वहाँ से भी हमने न्यूट्रल एक्सिस की दूरी निकाल ली है, न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल लिया, ख़त्म कहानी. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूट्रल एक्सिस निकालना है थोड़ी पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस. सियर स्ट्रेस हमें निकालना है न्यूट्रल एक्सिस पे. ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस तो निकाल लिया क्योंकि उसके बगैर काम नहीं बनेगा, लेकिन हमारा काम क्या है, सियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे निकालना, और ऑल्सो ड्रॉ द सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर पॉइंट पे हमें न्यूट्रल हमें चाहिए होगा सियर स्ट्रेस. ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे चाहिए होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तभी तो हम लोग सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना पाएंगे ना. ठीक है, तो अब सियर स्ट्रेस का काम शुरू होता है, आइए उसे सॉल्व करें. सियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ये कार्यक्रम अब शुरू किया जाता है. देखिए पहला है सियर स्ट्रेस का हम लोग निकाल रहे हैं, सियर स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम एजेस ऑफ द फ्लेंजेस इज जीरो. ठीक है, पहला काम खत्म. क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका आई सेक्शन उसका एक्सट्रीम जो एजेस है, मतलब ये और ये फ्लेंजेस बोल रहा है ना, फ्लेंजेस मतलब दोनों फ्लेंज की बात हो रही है, उसका एक्सट्रीम एज
वहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो है, हमें पता है, ठीक है, ओके। ऊपर हमने जब थियोरिटिकल काम किया था वही से हमें पता है कि शियर स्ट्रेस वहाँ पर ज़ीरो आता है। चलिए वहाँ का तो पता चल गया। सेकंड नंबर पे आइए, शियर स्ट्रेस इन द अपर फ्लेंज जस्ट एट द जंक्शन, जस्ट एट द जंक्शन ऑफ अपर फ्लेंज एंड वेब। कहाँ की बात हो रही है? देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, यहाँ पता चल गया शियर स्ट्रेस, अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मतलब जो आपका फ्लेंज है, अपर फ्लेंज है वो, और जो वेब है उसका जो जंक्शन है ना, वहाँ पर शियर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एब्रप्ट चेंज आता है शियर स्ट्रेस में, है ना। तो एक बार यहाँ के लिए निकालेंगे और एक बार यहाँ के लिए निकालेंगे, ठीक है, दो बार इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, ओके। जो थ्योरी में हमने किया वही, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकालने का क्या तरीका है भाई, है ना, यहाँ पर हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, उसका क्या तरीका है? तो शियर स्ट्रेस निकालने का जो तरीका है वो क्या है, वो है टाउ, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी, ठीक है। देखिए ज़रा जो थ्योरी हमने किया है वहाँ आइए ज़रा, तो इस थ्योरी को भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने शियर स्ट्रेस फ्लेंज की जब बात की थी तो यहीं पर हमने कहा कि फॉर द अपर एज ऑफ फ्लेंज वो ज़ीरो आ गया था, जो हमने बोला कि हाँ ज़ीरो है। फॉर द लोअर एज ऑफ फ्लेंज वहाँ पर हमने कुछ टाउ को इस तरह निकाला था, ठीक है, ओके, इसी तरह निकाला था, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली कहाँ से आता है फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला तो ना एफ ए बाई एफ इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है, आपको यूज़ तो वही करना है बेसिकली, और फार्मूला का यूज़ तो किया ही जा सकता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो था भी वो सिमेट्रिकल था, यहाँ थोड़ा सा सिमेट्री की कमी है ना, सिमेट्री है नहीं। तो देखिए ए वाई बार आपको चाहिए होगा, ठीक है, तो ए वाई बार क्या है, ए वाई बार हो जाएगा एरिया ऑफ अपर फ्लेंज इंटू डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ अपर फ्लेंज फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ द अपर फ्लेंज बोलिए तो 200 × 500 गुने डिस्टेंस ऑफ सी जी अपर फ्लेंज, अपर फ्लेंज कहाँ है भाई, तो अपर फ्लेंज यहाँ है, इसका सी जी जो है यहाँ है, वो न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे, देखिए तो ज़रा कितनी दूरी पे है, बॉटम से ये कितनी दूरी पे है जी इसका सी जी, तो 50 + 200 = 250 ये ना जी, 50 + 200 = 250 + 275 और उसमें से न्यूट्रल एक्सिस का हटा दीजिए कितना बचेगा, डैट इज़ 275 - 166.51 है ना, 275 - 166.31, ठीक है, तो दोनों की दूरी निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यही दूरी तो चाहिए कि इसका जो सेंट्रॉइड है या न्यूट्रल एक्सिस है वो जो न्यूट्रल एक्सिस टोटल फिगर का है उससे कितनी दूरी पे है ना, ये तो आपको ये दूरी पता है, उसमें से ये 25 आप घटा दो तो आपका काम हो जाएगा, ये दूरी दैट इज़ 133.49 - 25 तो भी आपको ये, तो चलिए उसी का यूज़ कर लेते हैं, आपको बस दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, आप ऊपर से निकालो नीचे से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आ रहा है आपका 108.4900, ठीक है, डन। चलिए ए वाई बार आपने निकाल लिया है, बी भी तो चाहिए, बी कितना है उसके लिए देखिए, बी कितना है, यही तो बी है,
ठीक है, तो बी हो जाएगा आपका कितना, 200 mm, ठीक है। आई की वैल्यू जो होती है इसमें, इस इक्वेशन में आई क्या होता है, जो टोटल फिगर है ना, पूरा का पूरा आई सेक्शन है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस ये ऑलरेडी दे रखा है। तो निकाल लीजिए टाउ की वैल्यू, टाउ वैल्यू इक्वल टू एफ डेट इज 50,000 इंटू ए वाई बार 108,490, 2.849 इंटू 10^8 दे रखा है आई और 200 है बी, तो टाउ की वैल्यू आ रही है आपकी 0.9520 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमने क्या निकाला है यहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। हम निकाल रहे हैं हर एक पॉइंट पे सियर स्ट्रेस, तो इस पे हमने निकाल लिया कि ज़ीरो हमें पता है, और जब थियोरिटिकल काम हो रही थी आपने देखा था कि इसमें हम लोग यहाँ पे निकालते हैं और फिर यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ एक एब्रप्ट चेंज होता है, तो यहाँ वाला हमने निकाल लिया है। ओके, अब अगला काम ये भी होगा कि यहाँ के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। फिगर देखिए, यहाँ इस फिगर को देखिए जो थियोरेटिकल फिगर है, तो इस पॉइंट पे हमने निकाल लिया है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने निकाल लिया है, हमारा काम हो चुका है, इस पॉइंट पे निकालना अभी बाकी है, ठीक है। ओके चलिए, तो अब मुझे बताइए, तो ज़रा थर्ड नंबर वही मैं कर देता हूँ, शियर स्ट्रेस इन वेब जस्ट एट द जंक्शन ऑफ द वेब एंड अपर फ्लेंज, ठीक है, कहाँ, वहीं जहाँ अभी बात किया था, ये यहाँ निकाल लिया, ठीक है। अब ये जंक्शन की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पर एब्रप्ट चेंज होता है, तो क्या फार्मूला में देखिए आपको याद होगा, अगर थ्योरेटिकल जो हमने काम किया था अगर याद होगा, तो वो सिंपली क्या होता है, जो हम लोग रिज़ल्ट लेकर के आए हैं ना, वो यही वाला रिज़ल्ट, ठीक है, यही वाला रिज़ल्ट इन टू बी बाई बी कर देते थे, है ना, बी बाई बी अगर आपको ध्यान में हो तो, ठीक है। तो 0.9520 इन टू जो बी है कैपिटल वो 200 है और जो स्मॉल बी है वो 50 है, ठीक है। देखिए तो ज़रा फिगर में देखिए, यहाँ स्मॉल बी 50 है और जो कैपिटल बी है और जो कैपिटल बी है वो कितना है, कैपिटल बी इज 200, ठीक है। तो बस वही हमने लिख दिया है यहाँ, तो यहाँ टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3.808 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब न्यूट्रल एक्सिस पे निकाल, शियर स्ट्रेस अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस जब निकालना है, तो देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि शियर स्ट्रेस जब न्यूट्रल एक्सिस पे निकालेंगे तो वही शियर स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी होगा, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम पे आप आते हैं और अगर आपको पता है कि ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है और इस न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हमें शियर स्ट्रेस निकालना है, आपको कौन सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। जब थ्योरेटिकल एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन लेते हुए थ्योरी की बात, थ्योरी थ्योरेटिकल अप्रोच जब हम लोग अपना रहे थे और देख रहे थे, तो हमने यही पाया था कि उसके लिए हम लोग पहले एक बार फ्लेंज पे काम किए थे, है ना, और उसके बाद वेब पे काम किए थे, अगर आपको ध्यान में हो थ्योरी तो, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, ठीक है, हम लोग इस एरिया की बात करेंगे, ओके, और इसके लिए हम लोग टाउ निकालने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं इसको आप लोग आई सेक्शन तक सीमित ना रखें, ये है अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अनसिमेट्रिकल सेक्शन जब भी आपको मिलेगा तो यही अप्रोच आपको अपना करके आगे बढ़ना होगा। तो टाउ जो है यहाँ न्यूट्रल एक्सिस में पता है कि मैक्स भी होता है, इसलिए मैक्स लिख देते हैं इक्वल टू, वही करना है एफ ए बाई आर वाई बार अपॉन
आई इंटू बी, ठीक है। ए वाई बार क्या है? ए वाई बार का मतलब है मोमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। लेकिन दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ अपर फ्लेंज, है ना, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस प्लस प्लस मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ वेब अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ऊपर भी जब थ्योरी हम लोग कर रहे थे तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि ए वाई बार कैसे निकाले थे, तो हमने कहा कि ए वाई बार फ्लेंज के लिए निकालेंगे प्लस ए वाई बार वेब के लिए निकालेंगे, यही तो किया था ना, ठीक है, वही चीज़ यहाँ करते। मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ अपर फ्लेंज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस बताइए, देखिए मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द अपर फ्लेंज अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, एरिया कितना होगा 50 × 200, ये तो आपको पता है, इंटू न्यूट्रल एक्सिस से इसकी सी जी कितनी दूरी पे है, वही है ना वाई बार, ठीक है। तो ये 133.49 है और ये ऊपर का हिस्सा 25 mm है, तो जो बच गया वही दैट इज़ 133.49 माइनस 25, ठीक है। प्लस जब वेब की बात करेंगे तो वेब में आप मुझे बताइए कि ये एरिया कितना है, तो ये 133.49 है उसमें से 50 घटा दीजिए तो ये एरिया आपको मिल, लेंथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 133.49 माइनस 50 तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, और ये आपको 50 पता है, ठीक है, ओके। अब इसका जो सी जी है वो न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एरिया तो निकल गया, इसकी जो सी जी न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो ये इसकी सी जी यहाँ पर है, यहाँ पर होने का मतलब ये दूरी निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये टोटल दूरी माइनस 50, तो ये दूरी निकल गई, इसका हाफ कर दीजिए तो ये दूरी निकल जाएगी, ठीक है। तो आइए बस इतनी चीज़ों को हम लिख दें तो हमारा ए वाई बार निकल जाएगा इज इक्वल टू, पहले फ्लेंज की बात कर लें तो फ्लेंज है 200 इंटू 50 इंटू कितना 133.49 माइनस 25 वाई बार की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 133.49 माइनस 50 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, इंटू सी जी, सी जी कितना था 133.49 माइनस 50 का हाफ, ये हाफ, ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। इट इज़ इक्वल टू 108.4900 प्लस 174.264.5, इट इज़ इक्वल टू 125.9164.5, ठीक है। तो ए वाई बार आपके सामने है, बी बताइए कितना होगा एक्चुअल विथ जहाँ पर आप निकालना चाह रहे हैं, तो 50 mm वेब की बात हो रही है, तो टाउ मैक्स सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, बता दीजिए 50,000 × 1259 164.5, जो अभी भी हमने वैल्यू निकाला है, डिवाइडेड बाई 2.849 इंटू 10^8 आई की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू 50, तो ये आ रहा है आपका 4.4196 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो अप्रोच जो है ये आपको अब पता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं शेयर स्ट्रेस इन द लोअर फ्लेंज जस्ट एट द जंक्शन ऑफ द लोअर फ्लेंज एंड द वेब, है ना, ये हमारा पांचवा पार्ट हो जाएगा। देखिए जब हमारे पास सिमेट्रिकल आई सेक्शन था तो ये सब हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था, क्यों जरूरत था, क्योंकि ऊपर जो है सो नीचे रहेगा, ठीक है, लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए ये सब अब हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है। इन लोअर फ्लेंज जस्ट एट द जंक्शन ऑफ द लोअर फ्लेंज एंड द वेब, ठीक है, करना क्या है, यही करना है एफ इंटू ए वाई बार अपॉन आई बी, ठीक है। ए वाई बार क्या है भैया, तो ए वाई बार है मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ लोअर फ्लेंज, है ना, अबाउट कहाँ के न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है।
तो जो लोअर ले आपका फ्लेंज है, जरा उस पर आइए। तो जो लोअर आपका फ्लेंज है यही है, इसका ए इंटू वाई आर बताइए। तो ए हो जाएगा 130 इंटू 50, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस से इसका सी जी, तो न्यूट्रल एक्सिस ये है, उसका सी जी कहाँ है भैया? तो ये डिस्टेंस आपको पता है 166 दे रखा है, और उसमें से अगर मैं ये 50 का आधा 25 घटा दूँ तो ये दूरी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो 166.51 माइनस 25 करना पड़ेगा, तो सी जी मिल जाएगा, ठीक है। और एरिया आपको पता ही है, तो लिख दीजिए 130 इंटू 50 इंटू 166.51 माइनस 25, ये आपको देगा 191.8125, ठीक है। बी कितना होगा? विथ ऑफ द लोअर फ्लेंज है ना, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअल जो विथ है उसकी बात हो रही है। तो टाउ बता दीजिए कितना होगा। सारे वैल्यूज आपको पता है, ये आ रहा है आपका 1.239 न्यूटन पर mm². ठीक है, चलिए लास्ट जो हिस्सा है वो है, जो सिक्स्थ पार्ट है वो है क्या? द सियर स्ट्रेस इन वेब है ना, जस्ट एट द जंक्शन, जो ऊपर किया वही नीचे कर रहे हैं, ऑफ द वेब एंड लोअर फ्लेंज है ना, ठीक है। तो इसके लिए निकालने के लिए कोई विशेष अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एक बार जब जंक्शन पे निकल जाता है फ्लेंज की तरफ, तो वेब की तरफ निकालने के लिए बस सिंपली क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यू निकल कर आई है ना, जो भी वैल्यू निकल कर के आई है उसको बी बाई बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बी कितना है? 130 है, और बी कितना है स्मॉल? 50 है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.22 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आई सेक्शन के रूप में ना देखते हुए, एक कोई भी अनसिमेट्रिकल सेक्शन हो तो उसमें आपको अप्रोच जो है वो ऐसा ही रखना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट हिस्सा है वो हम लोग देख ले कि आई सेक्शन जो पूरा का पूरा है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, इसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका आप लोग को पता है। मुझे बताइए शियर स्ट्रेस यहाँ पर कितना था? ज़ीरो था, ठीक है, ओके। शियर स्ट्रेस यहाँ पर फ्लेंज साइड में कितना था? तो ये हमें देखना पड़ेगा कितना था, देखते हैं। शियर स्ट्रेस इन द अपर फ्लेंज जस्ट एट जंक्शन कितना भाई निकल कर आया है? तो ये निकल कर आया है 0.9520 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 0.9520, ठीक है। और इन दोनों के बीच का वेरिएशन कैसा होता है? तो वो हमें पता है कि वेरिएशन पाराबोलिक होता है, ठीक है। तो इसको मैं पाराबोलिक बना दूंगा, ठीक है, चलिए। और ये भी पता चल गया कि ये जो है वैल्यू कितनी है, 0.950, इतना ही कुछ लगभग था, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कि व्हाट इज दी वेबसाइट में जो है इसी जंक्शन पे, वेबसाइट पे कितना है शेयर फोर्स? तो ये भी हमें पता नहीं, ऊपर देखना पड़ेगा। शेयर स्ट्रेस इन द वेब जस्ट एट द जंक्शन, ये इसी की बात कर रहे हैं। ये है 3.808, ठीक है, 3.808। तो यहाँ पर मुझे दिखाना है ये 3.808, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन से मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है, और बता दूंगा कि ये वैल्यू जो है कितनी है, 3.808, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप आएंगे तो आपको पता है कि ये वेरिएशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर भी ज़ीरो है, आपको पता है, ठीक है।
फ्लेंज साइड में बताइए यहाँ कितना है, आइए बताते हैं आपको। ये देखिए द सियर स्ट्रेस इन द लोअर फ्लेंज जस्ट एट जंक्शन कितना है वैल्यू 1.239, और पैराबोलिक वेरिएशन है ये आपको पता है, ठीक है 1.239। तो ये कैसे वेरी करेगा, पैराबोलिक है ना, ये ऐसे वेरी कर गया, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है 1.239, ठीक है। उसी में आइए वापस, और शियर स्ट्रेस आप बताइए कितना है वेब साइड में, उसी जंक्शन पे वेब साइड पे 3.22। ओके, तो ये जो है आपका कहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू है ये भी आपको पता है 3.22, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे कितना है देखिए, तो ज़रा टाउ मैक्स कितना निकाला गया है, न्यूट्रल एक्सिस पे निकाला गया है 4.4196, ये रहा ना आपका न्यूट्रल एक्सिस, है ना, यहाँ है ना। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.4196, ठीक है। और ये उसके बीच में जो भी वेरिएशन है पैराबोलिक है, ठीक है। तो इसको एक पैराबोला से हम लोग दिखा देते हैं कुछ यूं, हाँ। और ये वैल्यू जो है न्यूट्रल एक्सिस पे वो कितना है 4.4196, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएशन आ गया, या फिर यूं कहें कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। कि शियर स्ट्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक आई सेक्शन, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन के लिए कोई भी अनसिमेट्रिकल फिगर आएगा उसमें डायग्राम आपको बिल्कुल इसी तरह बनाना है, ठीक है। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि ये जो आपने पैराबोलिक माना इसको लीनियर क्यों नहीं माना, या फिर इसको पैराबोलिक माना, इसको पैराबोलिक माना, इसको लीनियर क्यों नहीं माना। तो जब आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब हम लोग आई सेक्शन को पढ़ रहे थे, थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे थे, तो हमने जो इक्वेशन निकाला था उस इक्वेशन के आधार पे हमें यही पता चलता है कि जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक है, इसीलिए वेरिएशन को पैराबोलिक दिखाया गया, इस वेरिएशन को भी पैराबोलिक दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो शियर स्ट्रेस चैप्टर है वो समाप्त होता है, ठीक है। ओके, तो हमने बेंडिंग स्ट्रेस कर लिया है और शियर स्ट्रेस भी कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे डिफ्लेक्शन इन बीम्स, ठीक है, चलिए।